दोस्तों, एक मित्र ने भेजा था कि उनकी वॉशिंग मशीन का पुलसेटर बहुत ही जाम हो गया है, बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह, और वो निकल नहीं रहा है बिल्कुल। इसको बहुत ही ज़्यादा जाम है, तो उसके लिए किस तरह से निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करना है कि हमको इसमें एक, ये देखिए वायर आता है, ये तार है, ये नॉर्मली तार होता है, ये वो लोहे की सरिया वगैरह बांधने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या करना है, हल्का सा ऐसे करने के, हल्का सा हमने क्या कर लिया है, मोड़ दिया है इसको। अब मोड़ने के बाद क्या करना है हमको, ये आपको जो ये होल्स दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इसमें यहाँ से डालना है ऐसे, और इनको ऐसे डाल के कोशिश करनी है कि इस साइड से, इस वाली साइड से ये होल के थ्रू यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। और फिर अभी देखो मैं करके आपको बताता हूँ किस तरह से इसको खींचना है। ये देखिए आप कि यहाँ से हमने इसको तार को डाला था हल्के हल्के, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद कभी ये इस वाली साइड पे आ जाता था तार, कभी इस वाली साइड पे आ जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ से निकल आया, अंदर के रास्ते से निकल आया ये तार। और ये ऐसे करके यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया है, ऐसे इसको बांध लिया है। और उसके बाद क्योंकि ये हम कपड़ा ले रहे हैं और इसको पकड़ के, इसको वरना हाथ में लग सकता है ये तार, और ऐसे खिंचा, बहुत टाइट है, हो सकता है रॉड वगैरह ना निकल रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको पुश करिएगा। एक काम और कर सकते हैं कि इसमें देखिए दिख रहा है ना, मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया था, ये पानी वगैरह आ रहा है, गरम पानी डाल दिया था, वो मैंने ड्रेन कर दिया है। तो गरम पानी डालने के बाद ये इस वाली, ये वाली जो साइड है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाती है। तो खिंचा 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 खिंचा, ये देखिए इस तरह से हम देखो क्या कर सकते हैं, इसको निकाल कर बाहर कर लिया इसको। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपका पुलसेटर बहुत ही ज़्यादा जाम हो गया है, तो इस वायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस पुलसेटर को बाहर खींच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टू सी द वीडियो।